अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज अपने लेसन नंबर 9 की, जो है प्रेयर यानी के दुआ। तो ये जो लेसन है इसकी हम एक्सरसाइज का पार्ट बी कर रहे हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है चूज़ द बेस्ट आंसर। हमने एक बेस्ट आंसर चूज़ करना है गिवन ऑप्शंस में से, और हमें कुछ लाइंस दी गई हैं। उन लाइंस के साथ हमने एक तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, उन तीन ऑप्शंस में से हमने बेस्ट आंसर चूज़ करना है, बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। और उसकी शर्त क्या है, वो ये है कि बेस्ट सूटेबल आंसर, वो जवाब जो मुनासिब हो मीनिंग के लिहाज से, और उसके साथ साथ वो एक राइमिंग वर्ड हो, यानी हम काफिया, हम वज़न या हम आवाज़ लफ्ज़ हो। तो हम इसकी पहली लाइन को रीड करेंगे। पहली लाइन में है, शुगर एंड स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस, एवरीथिंग डबल, एवरीथिंग डाइस। तो जो डबल और डाइस हैं, इनका डबल का तो राइम ही नहीं होता साउंड, और जो डाइस है हमारे पास, डाइस इसका मतलब बाकी के जुमले के साथ सही मतलब नहीं जाता। तो इसका मतलब जो है शुगर एंड स्पाइस, कुछ मीठा कुछ खट्टा एंड एवरीथिंग नाइस, और हर चीज़ कुछ मीठा कुछ खट्टा और सब कुछ अच्छा। ये उर्दू में भी कुछ ना कुछ हो गया है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे नाइस का लफ्ज़ सबसे ज़्यादा मुनासिब है। और जो दूसरा वर्ड हमें दिया गया है वो है, वंस आई डाइव इंटू दीज पेजेस, एक दफ़ा अगर मैं इन कागज़ों में डूब जाऊं, आई मे नॉट कम आउट फॉर एजेस स्टेजेस केजेस। तो एजेस का मतलब होता है कई उम्रें या कई सदियां, काफ़ी लंबा तवील अरसा। तो एजेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है एज़ कम्पेयर टू स्टेजेस या केजेस। केजेस और स्टेजेस के मुकाबले में ये ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है। जो तीसरी लाइन है उसमें है, आई लाइक टू ईट एंड क्रंच द फूड आई हैव फॉर मंच। क्रंच का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को, खाने पीने वाली चीज़ को तोड़ के जो आवाज़ आती है उसे क्रंच कहते हैं। तो इसमें यह है कि मंच तो नहीं आएगा, मंच का मतलब होता है, मंच का मतलब भी तोड़ना ही होता है, मंच मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। लंच मुनासिब लफ्ज़ है मतलब के लिहाज से, लेकिन ये उस तरह राइम नहीं कर रहा, इतना अच्छा राइम नहीं कर रहा जितना अच्छा ब्रंच राइम कर रहा है, क्योंकि क्रंच और ब्रंच दोनों में आर का साउंड है, आर की आवाज़ है। तो यहाँ पे मुनासिब लफ्ज़ जो है वो ब्रंच आएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज़ बी जो है वो अटेम्प्ट करनी है, उसके क्वेश्चंस को हमने इस तरह आंसर करना है।